हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले एक और आईपीओ के बारे में। ये जो आईपीओ है अपना एसएमई आईपीओ होने वाला है। इस कंपनी का नाम है वीकेएम फैशन एंड अपेरल्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है बेसिकली टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर में काम करती है। तो फटाफट इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। ये जो कंपनी है ये 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका जो मेन जो बिजनेस है ये वेविंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का है। और ये जो इसके पोर्टफोलियो इसमें मेनली दो प्रोडक्ट आते हैं, टेक्सटाइल और उसके अलावा गारमेंट्स। टेक्सटाइल में ये कुछ फैब्रिक्स पर बनाते हैं 100% कॉटन के, जैसे ये सारे आप देख सकते हो, लीका, नॉन लीका, सुपीमा, ब्लेंडेड कॉटन, ये सारे इसके टेक्सटाइल में प्रोडक्ट में आते हैं। उसके अलावा गारमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो गारमेंट्स में ऑल टाइप के रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं मेन और वोमेन सबके लिए में, जिसमें फॉर्मल शर्ट्स, कॉटन शर्ट्स, ट्राउजर्स, ये सारी चीज आती है। उसके अलावा अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें कि इसका जो प्लांट है वो कहाँ पे है, तो ये उमरगांव में है, स्टेट ऑफ गुजरात में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा इनकी फैसिलिटी है वहाँ पे। ये करीब करीब इनके पास में 5 लाख मीटर ऑफ फैब्रिक पर मंथ बनाने की कैपेसिटी है और वही 1.5 लाख पीसेज ऑफ रेडीमेड गारमेंट पर मंथ बनाने की कैपेसिटी है। अगर कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहला आता है कि ये अपने क्वालिटी और सर्विस स्टैंडर्ड को कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद इनका जो बिजनेस है इसके लेवल है, आपको पता होगा क्योंकि कपड़े का बिजनेस खत्म होने वाला है नहीं, कपड़े हम सबको ही चाहिए पहनने के लिए। उसके अलावा इनके जो प्रोडक्ट मिक्स और मार्केट मिक्स है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि ये प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वेराइटीज है इनके पास में और मार्केट ये नीचे से लेके ऊपर तक के लोगों को कैटर करते हैं, उसमें मतलब बेचने की कोशिश करते हैं सामान को। वहीं इनका जो प्रोडक्शन है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइमली फुलफिल ऑर्डर को अपने फुलफिल कर लेते हैं। उसके अलावा इनके जो मैनेजमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और एम्प्लॉयज जो हैं काफ़ी डेडिकेटेड है और इनके सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उनके जो नेटवर्क है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। वही अगर मैं इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लूँ तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है हमारे पास, इन्होंने 4 साल का डेटा दिया है, 19, 20, 21। तो सबसे पहले बता दूँ ये जो फिगर्स है आपको लैक्स में दिए गए हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि कहीं करोड़ में इतने करोड़ है, तो ये लैक्स में फिगर है। तो अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो 4 साल में अगर देखेंगे तो सबसे पहले 19 में ये था 11,779 लाख, फिर 12,090 लाख हुआ, फिर 12,351 हुआ, फिर 13,260। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये ग्रो ही कर रहा है, आप देख पा रहे हो थोड़ा ना थोड़ा ग्रो ही है। पहले 811-800 था करीब, फिर 12 हुआ तो करीब 200-300 लाख के आसपास करीब करीब ग्रो ही कर रहा है। तो वही अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो पहले 20,317 लाख था, फिर 21,571 लाख हुआ, फिर 2021 में अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा फिगर कम हुआ क्योंकि उस समय में कोरोना था तो सारे बिजनेस पे बैक पड़ा था। वहीं फिर से ये इन्होंने रिकवर किया 7,000 लाख से, फिर ये 14,947 लाख पे आ गए, तो ये धीरे धीरे फिर वापस से रिकवर कर रहे हैं। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये जो प्रॉफिट है ये आपका 228 लाख था 2019 में, फिर 109 लाख हुआ 20 में, फिर 35 लाख हुआ वही 2021 वाला, फिर 188 लाख हुआ, तो ये भी वो हो रही है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ अगर आप कंपनी का देखें तो पहले 2900 लाख था, फिर 2800 लाख था, फिर 2900 लाख था, फिर 3,095 लाख था, तो ये भी नेटवर्थ भी बढ़ रही है धीरे धीरे। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात करें कंपनी की तो वो भी काफ़ी सही से, मतलब आपका देखेंगे तो वही मेंटेन है, देख सकते हैं आप 2300 लाख, 2440 लाख, 2475 लाख, फिर 2666 लाख। तो आप कंपनी के पास में अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस है कि कल को आने वाले टाइम पे ये कंपनी डिविडेंड वगैरह भी दे सकती है या फिर और भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी पड़े तो ये इसमें काफ़ी अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। इनके पास में अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के साइज के हिसाब से। तो चलिए कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में देख लेते हैं कि ये कंपनी इस इलाके इससे क्या करना चाहती है। तो ये अपने जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी, जैसे जितने भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं इनको बनाने के लिए सामान वगैरह चाहिए होता है तो ये सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल में आती है। उसके अलावा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज होते हैं उसके लिए ये आईपीओ लाने जा रही है, तो ये है इसका ऑब्जेक्ट। वहीं अगर मैं आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं इसके बाद में, तो ये जो आईपीओ है ये आपका 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है और ये 2800 रुपये पे आईपीओ ला रहे हैं और एक लॉट में आपको 4,000 शेयर्स मिलने वाले हैं। ये टोटल आईपीओ का जो साइज है 4.44 करोड़ है और करीब करीब 4.5 करोड़ का है ये, और ये पूरा का पूरा आपका फ्रेश इक्विटी शेयर्स होने वाला है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि
पूरा पूरा फ्रेश इक्विटी शेयर आने वाला है और इसे पूरा का पूरा जो पैसा होगा ये कंपनी के पास में जाएगा। ये जो है आपका NSE पे लिस्टेड होने वाला IPO है, ये SME IPO है बट ये सिर्फ NSE पे लिस्टेड होगा, जिसमें से 4.44 करोड़ में से आपका पूरा का पूरा देखें तो उसमें 50% आपको रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया और 50% HNI कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी के जो दो तीन प्रमोटर्स बताए इन्होंने, कृष्णाकांत गुप्ता है, विजय कुमार गुप्ता है और मदनलाल गुप्ता है, ये दो तीन प्रमोटर्स के बारे में कंपनी ने बताया है। वही अगर मैं IPO के इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो ये IPO आपको 5 तारीख जो कि आज है, आज से स्टार्ट होकर आपको 11 तारीख तक चलने वाला है, ओपन रहेगा। और वही अगर इसकी बात करें तो आपको ये अलॉटमेंट होते हुए 17 तारीख को दिखेगा, इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं इसकी लिस्टिंग की बात करूं तो ये आपको 22 तारीख को अगर आपको मिलता है तो ये 22 तारीख को आपको लिस्ट होते हुए दिखेगा। वही अगर मैं लॉट साइज की बात करूं तो एक लॉट में आपको 4000 शेयर्स मिलने वाले हैं और जो कि आपको यहाँ पे बताया मैंने 28 रुपये पर शेयर के हिसाब से है, तो 4000 और 28 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 112,000 रुपये हो जाते हैं। और मिनिमम और मैक्सिमम इस कंपनी में आप एक ही लॉट लगा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास मिनिमम 112,000 रुपये होने चाहिए तब आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर मैं प्रमोटर की शेयर होल्डर जो प्रमोटर है उनकी शेयर होल्डिंग की बात करूं तो वो जब IPO आ रहा है उस दिन तक इनका 54.31% है और जैसे ही IPO आ जाएगा 4.4 करोड़ का तो ये आपका इनका जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये 39.67% करीब करीब 40% रह जाएगा कंपनी में। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ये मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस है और उसके अलावा इसका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ये भी इन्होंने कंपनी दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो रजिस्ट्रार है ये KFintech लिमिटेड है और इसका IPO भी आने वाला है बहुत ही जल्द KFin टेक्नोलॉजी का, तो इसलिए मैं ज़्यादातर IPO के डिटेल वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि इसका रजिस्ट्रार कौन है और उसके बैंकर्स वगैरह कौन है, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर उसके शेयर्स लिस्टेड हैं या फिर उसके IPO आने वाले हैं तो उसके शेयर प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस कंपनी का जो IPO का रजिस्ट्रार जो है वो KFin टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो आप इसका भी IPO आने वाला है तो उसमें भी अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।